दिल्ली में टेंट हाउस चलाने वाले मालिक अब जूझ रहे हैं आर्थिक तंगी से। जी हाँ, कोरोना की मार अब इनके रोजगार पर भी पड़ी है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन शादियों के सीजन में भी अब इनको बुकिंग नहीं मिली है। अनुमान पिछले साल के मुकाबले इस बार नवंबर से लेकर दिसंबर तक जो बुकिंग मिलनी चाहिए थी, वो बुकिंग अभी तक नहीं मिली है। आधा नवंबर बीत चुका है और अभी तक दुकानदार को सिर्फ एक बुकिंग मिली है। वहीं उम्मीद थी कि छठ पर्व पर कुछ जगह की बुकिंग मिल जाएगी, क्योंकि छठ घाटों पर टेंट का काम जो है लगता है, टेंट हाउस से सामान है वो जाया करता था। लेकिन इस बार आपको बता दें, कोरोना की वजह से दिल्ली में सार्वजनिक छठ पूजा स्थलों पर भी रोक लगाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ शादियों में अब सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे, जिसको लेकर अब लोग बुकिंग नहीं करा रहे हैं और छोटी जगहों पर ही शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं टेंट हाउस के मालिक। जिस तरीके से टेंट हाउस के मालिक ने बताया कि एक उम्मीद थी, जिस तरीके से शादी में 200 लोग जाते थे तो उनका रोजगार कुछ हद तक चलेगा, लेकिन अगर अब इस बार की बुकिंग की बात करी जाए तो आज से फिर से दिल्ली के अंदर अब शादी समारोह के अंदर सिर्फ 50 लोगों के आने की अनुमति है। तो वहीं कहीं ना कहीं अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं टेंट हाउस के मालिक। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मसूदपुर इलाके की, जहां पर टेंट हाउस का दफ्तर देखिए किस तरीके से खाली पड़ा हुआ है। जहां पर आपको बता दें कि इस समय बुकिंग के टाइम पर लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार आप देखिए कि किस तरीके से दफ्तर जो है टेंट हाउस का खाली पड़ा है। नाम बताइए अपना। चंदर शर्मा। चंदर जी, आपका टेंट हाउस का काम है? हाँ जी। अभी पिछले लॉकडाउन से लेके और अभी तक आपका काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल खत्म है जी, ठप है। बिल्कुल ठप है। ठप है क्योंकि काम हुए नहीं, बीमारी से कहाँ चलते काम, काम हुए नहीं और लेबर कुछ भाग गई, उसको हम जेब से दे रहे हैं। अब तो ये चल रहा है, अभी तक तो यही है। आगे कितनी दिक्कतें हो रही है, कैसे आप लोग परिवार चला रहे हैं? बस सर ऐसा ही है, कहीं कुछ करती है कुछ कहीं कुछ कुछ करके अपने मतलब किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। मतलब हाँ भाई, इतना बड़ा सामान इतना जगह लेकर के खाली मतलब ऐसे गुजारा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करके लगे। लेबर को पैसे पूरे नहीं दे पा रहे, कभी आधी तनख्वाह कभी कम कभी कम करके ऐसे करते हैं। अच्छा, अभी त्यौहार का सीजन है, दिवाली बीता, उधर नवरात्रे बीता, अभी छठ है और शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो क्या कुछ बुकिंग आई है क्या? नहीं सर, शादी मेले होते थे पहले, दिवाली मेले वो ख़त्म हो गए, छठ पूजा दिवाली में पूजा में कोई सामान नहीं किया और छठ पूजा होती थी इसमें बहुत सामान जा रहा, वो बिल्कुल बुकिंग नहीं है, ख़त्म। अच्छा अनुमान, पिछले साल छठ में कितनी बुकिंग आ जाती थी और उस बार अभी तक कोई बुकिंग आई ना? छठ में तो 3-4 काम हो जाते, 4-5 काम हो जाते, कहीं 3-4 जगह टेंट लगा था, कहीं घर में टेंट लगा था, कहीं वो बड़ा फंक्शन करते थे, एक मिल के सब लोग मिल के करते थे, तब तो काफ़ी कम आया था सर। अच्छा अभी तक जैसे पिछले साल किस समय तक शादियों की लगभग कितनी बुकिंग हो जाती थी? शादी सर कम से कम महीने में 10 से 12 नवंबर 10-12 दिसंबर, मतलब हमारा सीजन होता है 15 दिसंबर तक, नवंबर से 15 दिसंबर तक। इस बार कब तक की बुकिंग है, कुछ है बुकिंग की? एक आध बुकिंग, दो बुकिंग हुई बस, शादी बस हो गया। उसमें भी सामान की कटौती भी है? सामान तो कट ही जाएगा जब इतना सीजन होगा। तो जो सरकार ने आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 50-50 कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर टेंट हाउस का भी ये होगा, सामान ही कम हो जाएगा फिर तो, क्योंकि फिर हॉल में शादी होगी, हॉल में कर देंगे हम, टेंट का सामान जाएगा नहीं, हॉल में कर देंगे ये होगा। बताओ इसमें क्या मिलना हॉल में, कहाँ 1 लाख का बिजनेस, कहाँ 10,000 खत्म, 10,000 खत्म हो जाएगी। अच्छा सरकार ने ये बोला था कि जिसका काम बंद है और ये है तो कुछ आर्थिक सहायता ना, ऐसा क्या कुछ इस तरह का आप लोगों को मिला है? ना तुम्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कोई पैकेज में कोई कुछ कोई बात ही नहीं है, बस हमारी सी दुकान बंद कर दी, गोदाम बंद कर दिए, बस कुछ नहीं पैकेज से बाहर हम हमारे कोई नहीं था। आप लोगों का गोदाम का किराया वगैरह भी लगता होगा? किराया है सर, किराया तो किराया, किसी ने किराया छोड़ा? किराया सर कहाँ छोड़ते हैं किराया, वो किसी ने 1 महीने छोड़ दिया, किसी ने 2 महीने छोड़ दिया, फिर तो 5-6 महीने तो 8-9 महीने चल रहा है, फिर तो देना ही पड़ेगा हमें कहीं से भी। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं आप लोग? भाई सरकार क्या चाहते हैं, भाई जो पहले किया था 200-250 जो है काम वो शुरू की जाए, अब 50 हम क्या करेंगे, 200-250 जो उन्हें अलाउ किया था, 200-250 अलाउ किए थे वो करें, तो बहुत काम हमारा काम जो बने, मतलब जिससे कि आप लोगों का भी काम चले, थोड़ा सा हमारे खर्चा निकल सके, अब 50 हम क्या करेंगे। ठीक है।